बिना अंडा को तोड़े फोड़े कैसे अंडा का खोपड़ा ये छेल दिया जाए। कि आप लोग जानता है जो अंडा का जो ये जो पार्ट है वो कैल्शियम का बना होता है, और हम लोग साइंस की मदद से देखेंगे कि अंडा को बिना तोड़े फोड़े कैसे छेला जाता है। या शायद आप लोगों को मालूम होगा, या जो साइंस बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, सबको जानता है। तो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। मैं तो कोई यहाँ अभी तो मैं प्रजेंट में ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ जनरली, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। आप लोग जानते भी हैं, क्योंकि एकलव्य और चाणक्य कैसे एकलव्य ने एक अपने शिक्षक द्रोणाचार्य को गुरु मान के धीर धरोहर बने थे, इसीलिए मैं अपने प्रीफर करता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के। इन्हीं के देख रेख में मैं सोचता हूँ कोई भी एक्सपेरिमेंट करूँ, तो इनको मैं अपना साक्षी मान लिया हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, और मैं अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर रहा हूँ। और देखिए, बिना को अंडा को तोड़े फोड़े कैसे इसको खोपड़िया छील दिया जाए और खाया जाएगा, नो एनी हार्म, आप देख सकते हैं। और मैं कुछ यहाँ पे जो मदद है, मैं उन्हीं के मदद से, ये एक ग्लास है, डिस्पोजल ग्लास है, और ये एग है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि बैटरी वाला। तो ये डिल्यूट एसिड है, एसिड है मतलब ये एसिड है, बैटरी है, बैटरी का पानी जो भी कह लीजिए। और ये क्या है, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक जो हम लोग घर पे खाते हैं। देखिए नमक है, ये नमक है, और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे काम करना चाहिए। देखिए, और हम लोग ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं, ये एक शीशा है, कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं केवल शीशा है। और देखिए यहाँ पर हम जो भी चीज़ रखा है एकदम, देखिए ऑथेंटिक, ये देखिए ये खाली है, ग्लास है, और देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा टोटली ये अंडा है जस्ट। और हम इस पे रख देते हैं, क्या रख देते हैं, इस पे रख देते हैं, इस पे इसलिए रखते हैं क्योंकि दिखाने में आसान होगा, और ये अंडा है। हमने अंडा को इसमें क्या किया जी, देखिए या तो मैं पहले एसिड को पहले डाल देता हूँ या अंडा को। देखिए ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बोलते हैं बैटरी के पानी, हाँ। तो ये डिल्यूट है, हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्या करेंगे, देखिए साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत कुछ खेला पेला करना पड़ता है ना जी, वैज्ञानिक बनना है आपके बच्चों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है। ये क्योंकि देखिए ये पानी है, मतलब समझिए डिस्टिल वाटर समझ लीजिए, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूट है। और हमने ये अंडा ले लिया, ये अंडा ले लिया, ये थोड़ा बड़ा साइज छोटा लेते हैं ना जी, यही ले लेते हैं। देखिए ये अंडा हम इसमें अब डाल रहे हैं ना जी, देखिए ये अंडा हमने डाल दिया। अब ये देखिए क्या करेगा, ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, देखिए ये रिएक्शन कर रहा है, धीरे धीरे ये रिएक्शन करना अपना स्टार्ट कर दिया है। मतलब टाइम लगता है इसमें, कम से कम 3-4 मिनट टाइम लगता है, तो आप लोगों को पूरा बड़ा वीडियो हो जाएगा। जब ये रिएक्शन करता है तो इसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए यहाँ पे साइड में आके दिखा दीजिए हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है कैमरामैन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकल रहा है थोड़ा सा साइड में कहीं कहीं, जो एक अंदर से देखिए बुलबुला निकलेगा, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा छोटा थोड़ा बुलबुला निकल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं साइड से, उधर से दिखाइए नीचे साइड से कोगरी में जो साइड में दिख रहा है क्या बुलबुला। और हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और क्या करते हैं, इसमें थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ा दूर करिए कैमरा को, देखिए अब हम इसने क्या किया जी, नमक डाल दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो जाए, एकदम हाई हो जाएगा। देखिए इसमें हमने नमक डालना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे नमक डाल रहे हैं, ये नमक हमने डालना स्टार्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। अब ये जैसे ही कॉन्सेंट्रेट होगा, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा तो रिएक्शन इसका फास्ट होगा। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 4 मिनट तक, 5 मिनट लग सकता है जितने, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड प्योर नहीं है। अब रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, देख लीजिए अब ये रिएक्शन करेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए रिएक्शन कैसे करेगा, आप लोग को पूरा वीडियो देखिए, पूरा एकदम ये रिएक्शन स्टार्ट करेगा, कुछ देर तक टाइम लगेगा, उसके बाद से इसका पूरा खोपड़िया छिला जाएगा और अंडा बच जाएगा केवल, देख रहे हैं ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। देखिए अब एक मिनट बीत चुका है, ये देख रहे हैं ये लोग, ये रिएक्शन कितना स्लो होता है, उतना डिल्यूट एसिड नहीं है, ओरिजिनल एसिड नहीं है, ये ओरिजिनल होता तो 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर देता, तो इसको हमने नमक डाल के कॉन्सेंट्रेट किया है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो पूरा ये निकल रहा है साइड में, ये सब कैल्शियम है, इसका आवाज़ भी सुनिए रिएक्शन का, ये रिएक्शन कर रहा है तो आवाज सुनाई दे रहा है, कर रहा है, देखिए यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, अंडा उसका कीमा निकल गया, कैल्शियम पूरा, ये सब जो देख रहे हैं ये लोग सब कैल्शियम है। ये आप लोग सोचते होंगे कि
ये के इसको क्या बोलते हैं, क्रीम मलाई, ये क्रीम नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है ना जी। अब देखिए यहाँ पे ये हट गया है, देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा हट गया है। देखिए यहाँ कर दिया, देखिए यहाँ पे अंडा है, अभी भी ये रिएक्शन कर ही रहा है। अंडा कहाँ है जी, इसके नीचे है, अंडा कहाँ है, इसके नीचे। देखिए कैल्शियम है, पूरा टोटल कैल्शियम देख रहे हैं। अब ये थोड़ा सा भी अंडा पूरा मतलब 80% इसका कैल्शियम हट गया है। अब केवल बचेगा तो सेमी पर मेम्ब्रेन झिल्ली बचेगा, उसके बाद से मैं खाऊंगा इस अंडे को, नो हार्म। अभी जस्ट देखिए ये अंडा निकल गया, ये अंडा निकल गया, और ये जो पार्ट है ये थोड़ा एसिडिक मीडियम में, देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। देख रहे हैं कैसे खदक रहा है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कैसे खदक रहा है, ये क्या है जी, कैल्शियम है पूरा, मतलब एसिड के साथ में है, और ये क्या है, सीसा। और देखिए जिसको सेमी पर मेम्ब्रेन झिल्ली जिसको बोलते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच गया है ना जी, एयर बना लिया, सॉरी रिएक्शन कर दिया अंदर। ये देखिए ये अंडा है, क्या इसमें क्या है जी, खोपड़ैया नहीं है। अगर कोई बच्चा सेमी पर मेम्ब्रेन झिल्ली देखना चाहता है और पारगम्य झिल्ली, तो यहाँ पर देख सकता है, केवल किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। और ये पानी है देखिए, अगर तुम आपको देखना है सेमी पर्मर में जिले, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा वो उसको दिखा सकते हैं कहाँ पर सेमी पर्मर। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये अंडा, एकदम ये अंडा खोपड़ैया, इसमें कुछ नहीं है। चाहूँगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ जो ऐसे भी खा सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको ऐसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप लोग को दिखाना है सेमी पर्मेम्ब्रेन झिल्ली, ऑस्मोटिक प्रेशर जो आप लोग सोल्यूशन पड़ेगा वहाँ पर, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये इसी को बोलते हैं सेमी पर्मेम्ब्रेन झिल्ली, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको दिखा दीजिएगा, कोई टीचर मास्टर को समझ नहीं तो ससुरा को। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी पर्मेम्ब्रेन झिल्ली। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है सेमी पर मेम्ब्रेन झिल्ली, देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, सेमी पर मेम्ब्रेन झिल्ली, ये क्या है जी, ये देखिए पूरा क्या है, सेमी पर मेम्ब्रेन झिल्ली। और यहाँ पे सेमी पर मेम्ब्रेन झिल्ली था, और ये देखिए इस अंडा को मैं फोड़ रहा हूँ। देखिए ये अंडा है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें खोपड़ैया नहीं है, देखिए मैं खा रहा हूँ, नो एंड हार्म। रिएक्शन कराने से आप लोग देख सकते हैं सेमी, पहले का बात तो बच्चा को सेमी पर मेम्ब्रेन झिल्ली देख लेगा और रिएक्शन भी देख लिया, देख रहे हैं आप लोग, रिएक्शन कराने से बहुत फायदा होता है। ज़्यादा वीडियो बढ़ा मैं मिला अगले वीडियो में, अगला वीडियो दिखाऊंगा नमक को कैसे जहर बनाए, नमक से भी किसी को मार सकते हैं। अगर आप कहीं फंस गए हैं पाकिस्तान के जेल में, तो जेल में से भी भगाने के मैं बुद्धि बताऊंगा, पूरा जेलर को ख़त्म करके आ जाइएगा इंडिया में। ये केवल साइंस पढ़िए, दिमाग लगाइए, मिला अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।